अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर निम्रा और आज हम बात करेंगे वेट लॉस ड्रिंक के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में हर 5 में से 2 आदमी ऐसे हैं जो कि मोटापे और फालतू चर्बी को लेकर परेशान हैं, और वजन को घटाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मायूसी के साथ साथ मोटापे के शिकार होते जाते हैं। वजन को कम करने के लिए कुछ लोग डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ वर्कआउट को भी अपना मामूल बनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी वजन को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनके डाइट के जरिए वजन को कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। फालतू चर्बी और मोटापा ना सिर्फ अपने आप में बीमारी है, बल्कि इससे तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिनमें दिल की कमजोरी, खून की नाली में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज जैसी बीमारी का भी शिकार होना पड़ता है। मोटापा उस वक्त ज्यादा बढ़ता है जब आप ऐसी चीजें खाते हैं जो कि ना सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, बल्कि मोटापे में भी मुब्तला करती हैं। बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद वो किस तरह से अपना वजन कम कर सकती हैं। दोनों ही सूरत हाल में ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल करती हैं जो उनकी बॉडी में नुकसानदेह साबित होती हैं। इसी वजह से ऐसी कंडीशन में वजन को कम करने के लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो कि वजन को घटाने के लिए इंतहाई कामयाब साबित होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं ऐसी कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके इस्तेमाल से बढ़े हुए वजन को बआसानी कम करके बॉडी को फ्लैट भी बनाया जा सकता है। तो आए जान लेते हैं, जब भी वजन को कम करने की बात की जाए तो लेमन वाटर को जरूर शामिल किया जाता है। इन अक्सर लोगों को लेमन वाटर बनाने और इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका ना पता होने की वजह से उन्हें इसके अच्छे नतीजे नहीं मिल पाते, इसकी वजह से वो लेमन वाटर की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी लेमन यानी लीमू की, शहद यानी हनी की, जिंजर यानी कि अदरक की। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले अदरक के टुकड़े को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लें। इसके बाद एक गिलास पानी में 2 चम्मच अदरक के जूस को डालकर इसमें 1 लीमू का रस भी शामिल कर लें। बाद 1 टेबलस्पून हनी डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें अदरक शामिल किया है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन को कम करने में नुमाया साबित होता है। इसके अलावा लेमन और हनी दोनों ही वजन कम करने में बहुत असरअंदाज हैं। इस ड्रिंक से प्रेगनेंसी के बाद भी बआसानी वजन कम किया जा सकता है। ड्रिंक को सुबह खाली पेट 1 से 2 हफ्तों तक इस्तेमाल किया जाए तो बआसानी फालतू चर्बी का मसले से निजात हासिल की जा सकती है। दूसरे नुस्खे को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें फीनल सीड्स यानी के सौंफ और ग्रीन टी की। ग्रीन टी वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए इंतहाई मुफीद मानी जाती है। ये पॉलीफिनॉल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही अच्छा जरिया है जो मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत में इजाफा करते हैं और जिससे बआसानी मोटापा कम करने में मदद मिलती है। सौंफ आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के अलावा खुराक को ठीक तरह से हजम करवाने में भी मददगार होती है, और इसके इस्तेमाल से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है। इसके लिए आप ग्रीन टी में 1 चम्मच सौंफ को डालकर 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लें। इसे आप सुबह के नाश्ते के 30 मिनट बाद पी सकते हैं। कुछ ही दिनों तक इसे मुसलसल पीने से ना सिर्फ चर्बी खत्म होने लगती है, बल्कि बॉडी में पैदा होने वाली वीकनेस भी दूर होने लगती है। इन ड्रिंक्स को यूज करने के अलावा आप वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें। इनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं और वेट लॉस को प्रमोट करने के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके साथ आप लटके हुए पेट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।